जीवन में जीवंत रहने के लिए हमें स्वच्छ रहना जरूरी है और ऐसे स्वच्छता मिशन के लिए सीधे लोहिया जी से जुड़ा गया। लोहिया जी देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाए थे, आप सबको ध्यान में होगा कि वह किस तरीका से शौचालयों के निर्माण के प्रति उनका भाव था, देश कैसे आगे स्वच्छ रहे इसके भाव था और उसके सपनों को साकार करने के लिए देश के सुश्री प्रधानमंत्री ने स्वयं झाड़ू उठाया और उन्होंने पूरे देश को जागरूक किया। देश के जब उन्होंने झाड़ू उठाया तो देश के बड़े बड़े उद्योगपति हों, बड़े बड़े फिल्मकार हो, बड़े बड़े अधिकारी हों, सबने झाड़ू उठा करके एक संदेश दिया कि नहीं, हम स्वच्छ रहने के लिए हमें इससे परहेज नहीं करना होगा। हम बड़े हों या छोटे हों, सफाई सबके लिए आवश्यक है। और यह एक अभियान नीचे तक गया और मैं स्कूलों पर भी, विद्यालयों पर भी, छोटे छोटे जगहों पर पढ़ने वाले बच्चे भी स्वच्छ रहने के लिए उसका उपयोग करने लगे। उसमें हमें लगता है कि उसके प्रति अपने को जोड़ करके चलने लगे, वो अभ्यास में लग गए और इस अभ्यास का लाभ आज पूरे देश को भी मिल रहा है। मैं तो कहूँगा कि कोरोना अगर भारत से जल्द कंट्रोल हुआ तो उसमें स्वच्छता भी एक सबसे बड़ा थे, उसमें स्वच्छता का भी बहुत बड़ा एक अहम भूमिका है उसमें, जो उन्होंने कर करके दिखाने का काम किया। हमारे देश के महात्मा गांधी, पूज्य महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि स्वच्छ रहने के लिए, लोहिया मिशन के बाद में उनके भी मन में था और आज उसको भी पूरा करने का काम देश के सुश्री प्रधानमंत्री देश में लगभग 12.5 करोड़ से ज़्यादा इज्जत घर बनवा करके करने का काम कर रहे हैं। हम माताओं और बहनों को उसके लिए कितनी परेशानी होती थी, हमें संध्या का इंतजार करना पड़ता था, सुबह पाँव ना फटे उसके लिए हमें सुबह सुबह जगना पड़ता था, अगर बरसात हो तो उसकी कितना परेशानियाँ होती थी, हमारी माताओं और बहनों को कितने लोगों का शिकार हो जाना पड़ता था। लेकिन आज हर घरों में वह लोहिया मिशन के तहत देश के सुश्री प्रधानमंत्री जी के एक मिशन मोड में जा करके और इज्जत घर का निर्माण जो हुआ उसका भी लाभ इस स्वच्छता मिल रहा है। यहाँ परौली पंचायत में लकड़ी नबीगंज प्रखंड के यहाँ एक अलग से मैंने देखा कि स्वच्छता के लिए जो भवन बना है, यहाँ की जो अभी गाड़ियाँ जो यहाँ से जो मार्च की है अपने आप में अनुकरणीय है। मैं दूसरे पंचायत को भी कहूँगा कि आप अनुकरण करिए, वास्तव में इसकी कठिनाई हो रही है, जमीनों की कठिनाई हो रही है, क्योंकि गाँव के बीच में भी पंचायत की में भी है कि गांव के बीच में जो उनके विरोधी हैं उनके घर के सामने अगर सरकारी जमीन तो कह दी गई यहीं डैम्प करेंगे तो उसका